वो तीन विदेशी खिलाड़ी जो आते ही छा गए। एक ने तो आईपीएल से पाक का नाम निशान मिटा दिया है। इंडियन टी20 लीग का 12वां संस्करण शुरू हो चुका है। मैचों की बात करें तो प्लेऑफ में पहले खेले जाने वाले 56 मैचों में 21 मैच खेले जा चुके हैं। पैसे और ग्लैमर से भरा टी20 लीग हर साल देसी विदेशी खिलाड़ियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यही कारण है कि हर खिलाड़ी इस लीग का हिस्सा होना चाहेगा। हालांकि अगले महीने से शुरू होने वाले विश्व कप की वजह से कई खिलाड़ी इस लीग से हिस्सा नहीं ले रहे हैं। कुछ खिलाड़ी चोट की वजह से भी लीग से बाहर हैं। खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी और चोट की वजह से कुछ नए खिलाड़ियों को इस लीग में डेब्यू करने का मौका मिला है और कुछ ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अपने पहले ही मैच में दमदार प्रदर्शन करते हुए अपनी छाप छोड़ दी है। आइए जानते हैं कि ऐसे ही तीन विदेशी खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने पिछले हफ्ते टी20 लीग में डेब्यू किया और डेब्यू मैच में ही छा गए। जेसन वेहरेंडॉर्फ, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेसन ने टी20 लीग में 15वें मुकाबले में बानखेड़े स्टेडियम में डेब्यू किया। अपनी तेज और उछाल भरी गेंदों के लिए पहचाने जाने वाले जेसन ने मैच में जबरदस्त शुरुआत की। 170 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम जेसन ने पहले ही ओवर में रायडू के रूप में झटका दिया। डेब्यू मैच के पहले ओवर में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज ने सिर्फ एक रन देते हुए एक विकेट लिया। इसके बाद जेसन ने अपने तीसरे ओवर में रैना का विकेट हासिल किया। डेब्यू मैच में जेसन ने 4 ओवर की किफ़ायती गेंदबाजी में 22 रन देकर 2 विकेट निकाले। अलजारी जोसेफ, कैरबियाई खिलाड़ी अलजारी जोसेफ जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ के लिए अभी तक एक भी टी20 मैच नहीं खेला, उन्होंने टी20 लीग के 19वें मुकाबले में डेब्यू किया। लीग की मौजूद टीम हैदराबाद के खिलाफ अलजारी ने डेब्यू करते हुए पहले ही ओवर में गेंद पर ऑरेंज कैप होल्डर बॉलर को बोल्ड कर दिया। इसके बाद जोसेफ यही नहीं रुके और एक के बाद एक विकेट गिराते चले गए और 3.4 ओवर की गेंदबाजी में एक मैटेन के साथ 12 रन देते हुए 6 विकेट अपनी झोली में डाल लिए। इतनी ही नहीं, अलजारी जोसेफ ने अपने डेब्यू मैच में ही 11 साल पुराने सोहेल तनवीर के बेस्ट गेंदबाजी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। ये एक लौता ऐसा रिकॉर्ड था जो किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी के नाम था, लेकिन अलजारी ने उसे भी ध्वस्त कर दिया। स्कॉट कुगलैंड, कीवी खिलाड़ी कुगलैंड ने अपने देश के लिए मात्र 6 टी20 मुकाबले खेले हैं और बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं। कुगलैंड को चोटिल लुंगी एनगिडी की जगह चेन्नई ने अपनी टीम में शामिल किया है। लीग के 18वें मुकाबले में कुगलैंड को तब डेब्यू करने का मौका मिला जब चेन्नई के मुख्य ऑलराउंडर खिलाड़ी ब्रावो चोट की वजह से 2 हफ्ते के लिए टीम से बाहर हो गए। पंजाब के खिलाफ मैच में स्कॉट की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसकी पहली ही गेंद में छक्का लग गया। पहले 2 ओवर में बिना किसी विकेट के उन्होंने 27 रन लुटा दिए। हालांकि आखिरी 2 ओवर में उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए राहुल और सरफराज खान का विकेट निकालने से सफलता हासिल की। इस तरह कुगलैंड ने अपने डेब्यू मैच में 4 ओवर की गेंदबाजी में 37 रन लेकर 2 विकेट झटके। IPL 2019 में कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।